बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक का महीना आने वाला है जो हमारे लिए रहमतें और बरकतें समेट कर लाता है। इस महीने की बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। अगर हम इस महीने की बरकतें और रहमतें समेटना चाहते हैं और रमज़ान का चांद देख कर हम कौन सी आयत पढ़ें जिससे हमारी तमाम हाजात पूरी हो जाएँ और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, ये सब जानने के लिए आपसे इल्तमास की जाती है कि हमारी 3 मिनट की वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ख्वातीनों हजरात, एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, उसके साथ साथ मेरी औलाद भी नाफरमान होने लगी है और मेरा शोहर भी मेरी तोहीन करता है और आजकल हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे। ये कहती हुई रोने लगी, क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मैं क्या करूँ? तो ख़वातीनों हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, जब आसमान पर रमज़ान का चाँद नज़र आए तो उस वक्त सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ो और अपने लिए दुआ मांगो, क्योंकि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देता है और अल्लाह ताला हर इंसान की दुआ कबूल फरमाता है जो रमज़ान का चांद देखकर मांगी जाती है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद किए जाते हैं और अपने बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का चांद ज़ाहिर होने से पहले इस वीडियो को अपनी तमाम बहनों भाइयों में ज़रूर शेयर करें। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से कोई अपनी गलती की माफ़ी मांग ले और शायद आपकी वजह से किसी की हाजात पूरी हो जाएं और इसका सवाब आपको ता क़यामत मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।